50 प्रश्न। जी हाँ, एक टॉप 50 प्रश्न ऐसे जो एल एन ए बी दुर्गेश के नोट्स में आपको हूबहू मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सिलेबस के बाहर पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आजकल परीक्षाओं का ट्रेंड हो गया है परीक्षा के बाहर सवाल पूछने का। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो याद रहे, आप सिलेबस के साथ साथ सिलेबस के दायरे के बाहर आइए अगर आपको नौकरी करनी है सरकारी तब। और साथ ही साथ इस सीरीज में हम आपको सिलेबस के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए पढ़ाएंगे। इलनी दुर्गेश की सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी प्रस्तुति होती है पर्यावरण की, जहां पे मैं दुर्गेश स्वयं आपके लिए इलनी विद दुर्गेश पर एज ए गेस्ट के रूप में निशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में आपके भविष्य निर्माण के लिए सीरीज लेकर प्रतिदिन इसी समय लाइव आऊंगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। तो जल्दी जल्दी फटाफट प्रश्नों के जवाब दीजिएगा, और जल्दी जल्दी जैसे ही वीडियो में जुड़िएगा, पहला काम वीडियो को शेयर करिएगा और यह देखिएगा 50 में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। हम इस सभी प्रश्नों की व्याख्या पूर्व की भांति विस्तृत रूप से करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है मैं जो पढ़ा दूं वहां से परीक्षा में प्रश्न आ जाए, लेकिन हां यह जरूर जरूरी है कि जो चीजें हम आपको पढ़ाएंगे उससे जो इसकी सलूशन होगा, जो इसका हल होगा, जरूर आएंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो बताइए आप लोग जितने साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे इसे यूट्यूब पर, फटाफट कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। पवन, सूर्य, पौधे, जानवर, ये प्रश्न पूछने का तरीका ऐसा है कि ताकि अगर परीक्षा में सवाल आए तो आप गलती ना कर पाए। जी हाँ मेरे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य है, और सूर्य के पास जो ऊर्जा आती है वह किसके द्वारा आती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा आती है। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य के पास ऊर्जा आती है। सूर्य में अपार ऊर्जा होती है। अच्छा, नाभिकीय संलयन क्या है? दो हल्के नाभिक की रचना होती है। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है इसका द्रव्यमान संलयन भाग लेने वाले दोनों नाभिकों को सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सूर्य है। फटाफट वीडियो को शेयर करिए, सरकारी शिक्षक बनाने वाली क्लास है आपके लिए। अगला सवाल, रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है? जी हां, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे हम लोग। सभी लोग फटाफट बताएं रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, एकदम वीडियो साफ जजडी नजर आएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसी अम्ल, एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, एकदम राइट आंसर है। रेशम की रासायनिक जो प्रकृति है यह प्रोटीन है। रट लीजिएगा, एकदम रट लीजिए, यह सभी के लिए जरूरी है। यह प्रोटीन फाइबर होता है जो रेशम के कीट लार्वा द्वारा फाइब्रिन के रूप में उत्पन्न किया जाता है। और याद रहे यह आपको पर्यावरण में भी मिलेगा यह सीरीज, यह प्रश्न आपके बायो का भी सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा जल के असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? निष्पंदन, छानना, क्लोरीन, गोलियां, फिटकरी, उबालना। कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? ध्यान रहे, तीन है एक नहीं है, यह सीरीज यह प्रश्न आपके जल अध्याय से है। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे, फटाफट कमेंट करिएगा फटाफट एकदम। देखिए, उबालने से असंक्रमित होता है, फिटकरी से होता है, क्लोरीन, लेकिन छानने निष्पंदन से नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। जो गलत है वही आपका सही होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, यह सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए। अगला सवाल आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। मतलब यहाँ पे दो प्रश्न आ जाएगा कि किस विटामिन की कमी अगर हो जाए तो आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जी हाँ साथी मित्र, इस देश के निर्माताओं, तो ये होगा इसका उत्तर विटामिन के। क्योंकि विटामिन के में कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है? प्रोथोम्बिन का होता है। किसका होता है? प्रो, लिख लीजिएगा, यह ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएगा। प्रोथोम्बिन का निर्माण होता है, यह रक्त को जमा देता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? जितने साथ इस वीडियो को देख रहे हैं विटामिन के का रासायनिक नाम बताइएगा। नेप्थोक्रिनोल, सही जवाब है, सही जवाब आप लोगों ने दिया है। देखिए क है हमारा क्विक नोन, यह इसका रासायनिक नाम है विटामिन के का।
अगला सवाल, फारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने फारेनहाइट होता है? जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए पानी का क्वथनांक अगर सेल्सियस में पूछता तो यहाँ पर होता 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे फारेनहाइट पूछा, इसका फॉर्मूला क्या है बताइए सभी साथी, सभी लोग फटाफट बताइए कमेंट करके। देखिए यहां पर होगा सेल्सियस बटे कितना, जो इसका आखिरी पैमाना होगा, यहां पे होगा 100 बराबर एफ माइनस 32 बटे 180, इसी को आपको यहां पे हल करना है। हमने देखा सी का मान यहां पर है, ये देखिए 0 0 कट जाएगा, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 9, तो यहां जो सी की जगह कितना फारेनहाइट 100 है, तो 100 बटे 5 बराबर एफ क्या है फारेनहाइट ये पूछा है, तो एफ माइनस 32 बटे आपका क्या हो जाएगा यहां पे 9, इसी को हल करिए। देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, तो यहां पर इसकी अंतर्गत जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 212, रट लीजिएगा यहां पर होगा 212 फारेनहाइट होगा, एकदम रट लीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपने इस वीडियो को शेयर किया है? जो लोग वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट कर बताएं क्या आपने इस वीडियो को शेयर किया है। चलिए अगला सवाल, कटीनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है, स्थली, जली, उभयधर्मी, मरुस्थली? तो याद रहे जहां पे कटीनुमा है माने कटीली पत्तियां होती हैं, कहां के पेड़ पौधों में, ये भी मैंने पढ़ाया है, ये नोट्स में लेने भी दुर्गेश के है, तो याद रहे ये मरुस्थली पेड़ पौधे होते हैं ताकि इनका वाष्पोत्सर्जन ना होने पाए, क्योंकि जल काफी गहराई से इन्हें मिलता है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन को बचाने के लिए, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, तो डी का राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। हाँ भैया, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा ना हो, पानी की आवश्यक मात्रा बनी रहे, इसके उदाहरण दीजिएगा मरुस्थली पेड़ पौधों के बारे में से, जीरोफाइट कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? यह भी महाद्वीप और महासागर से प्रश्न है, यह आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा, पात्रता परीक्षा दोनों के सिलेबस, दोनों के पाठ्यक्रम में है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। अरे यार रट लीजिए, यहां क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में है, भैया उस प्रश्न का उत्तर होगा हिंद महासागर, रट लीजिएगा, 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है, रट लीजिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये भारत के दक्षिण में स्थित है, और हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते उनमें कौन सा तत्व नहीं होता, रट लीजिएगा, उसी की कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों को पकड़ते हैं, यह भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में था, अगर आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स को पूरा पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का जवाब तुरंत दे लेंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जी हाँ सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। चलिए एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो वह कीट पकड़ने का काम करते हैं, यहां पर प्रश्न का उत्तर ए होगा। आप कुछ कीड़बच्ची पौधे के उदाहरण दीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? तो मैंने बताया कि चार विकल्प में से अगर कोई डिफरेंट विकल्प मिल जाए तो वह आप प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। तो हम देखा लिथियम बैटरी आज कल खत्म हो जाएगी, सोडियम लैंप खत्म हो जाएगी, एलईडी खत्म हो जाएगी, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, यह सब वैकल्पिक स्रोत है, इसलिए सी प्रश्न का सही और राइट आंसर है। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन। मेरा सवाल आप सभी से है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, परागकण किसे कहते हैं, यह अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके है, इस प्रश्न का उत्तर होगा परागकण, डी वालों के राइट आंसर है, आप सभी के डी वालों के एकदम सही जवाब है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं रट लीजिएगा क्योंकि अब की बार एक सीट हमार।
एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? जी हां, वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, उत्तीर्ण करना नहीं है। तो जो गलत है वही सही है, हमें प्रश्न की भाषा को समझना होगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दें, आपको जल्द ही प्रैक्टिस सीडी लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध हो जाएगी। जी हाँ, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सभी की प्रैक्टिस सीट अगले चंद दिनों में आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी और आप किसी भी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं जल्द ही लर्निंग विद दुर्गेश की प्रैक्टिस सीट। अगला सवाल है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, ये सभी? तो हमने इस बात को ध्यान दिया है कि मानव के साथ प्रकृति की जो भूमिका होती है यह दोहरी भूमिका होती है, जैविक संगठन के रूप में भौतिक मनुष्य, दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक प्रौद्योगिकी मानव के पर्यावरण को प्रभावित करता है, प्रभावित होता है, इसलिए यहां पर धनात्मक होगा। बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बी होगा। ठीक, अगला, सागरीय खरपतवार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो आपने एकदम सही बताया, आयोडीन। मेरा सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सागरीय खरपतवार समुद्र के नीतल में बहुकोशिकीय शैवाल है, लैमिनेरिया डिजिटाटा नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। याद रहे, आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है तो लिख लीजिएगा, यह हो सकता है परीक्षा में आपके पूछ ले, लैमिनेरिया डिजी, ये एक ही नाम है, डिजी टाटा, ये एक ही नाम है डी टाटा, ये शैवाल है, शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग भोजन में किसके लिए किया जाता है? सलाद के लिए किया जाता है। कितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया जरा कमेंट करके बताएं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि सभी लोगों ने वीडियो को ना लाइक किया ना शेयर किया है। चलिए, डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोग बताइए, डाइक्लो डिफेनी ट्राई क्लोथेन। यह पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। बाद में 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। यह एक प्रकार का कृमिनाशक है। कैसा है, क्या है यह? कृमि नाशक है। इसका पहला प्रयोग मलेरिया के विरुद्ध किया गया था। जी हां, डाइक्लोरो डाइफेनी ट्राइक्लोरो एथेन इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफेनिक ट्राइक्लोरो एथेन। यह एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषण है, यह कीटनाशक है, यह अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है, यह एक कीटनाशक है। यह भी प्रश्न आपको लेनी भी दुर्गेश के नोट्स में मिलेगा, यह भी प्रश्न आपको लेनी भी दुर्गेश के नोट्स में मिलेगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग रट लीजिएगा। इसका प्रयोग खेतों में फसलों पर होता है कृमि नाशक के रूप में। क्या सबको समझ में आ गया, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे? अगला सवाल, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटना होती है? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, उत्तरी घाट। तो न या उत्तरी घाट में होती है न पश्चिमी घाट में होती है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी, हिमालय, इनमें से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसे लैंडस्लाइड कहते हैं। जी हां, अंग्रेजी में आता है ये प्रश्न, लैंड स्लाइड के नाम से जानते हैं। ये भूवैज्ञानिक घटना है, धरातल पर हलचल जैसे पत्थर खिसक जाना, गिर जाना, पथरीली मिट्टी का बह जाना, ये जब वर्षा ज्यादा हो जाती है, बाढ़ या भूकंप आता है, तब भूस्खलन ज्यादा होता है। मानवीय गतिविधि जैसे पेड़ों की वनस्पतियों से हटने से, सड़क किनारे चट्टान काटने से, पहाड़ी पाइप रिसाव से भी भूस्खलन होता है। भारत में अगर देखा जाए तो हिमालयी क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार ये सरकारी शिक्षक बनाने वाली क्लास है। टॉप 50 कर जो सवाल है आपके, ये पर्यावरण से, सिलेबस और सिलेबस के बाहर पढ़ना है। भूकंप तरंगों को निरूपित किया जाता है, ध्यान रहे
भूकंपित तरंगों को किससे निरूपित किया जाता है? तो तरंग को सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टामोग्राफ। तो पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सिस्मोग्राफ। यह भी इल्लनी बिदुर्गेस के नोट्स में है, तो याद रहे सिस्मोग्राफ कहते हैं। यह भूकंप की तीव्रता और तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापते हैं, ठीक, यह हमने पढ़ाया है, यह नोट्स में भी है। अगला सवाल, बाण से समूहबद्ध पौधे मर जाते हैं। देखिए, सभी प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिएगा, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, या टेलीग्राम के ऐप से जुड़िएगा। आपको जल्द ही चंद दिनों या चंद घंटों में संपूर्ण प्रैक्टिस सेट सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट सभी की उपलब्ध होगी, उपलब्ध कुछ हो भी चुकी हैं। ध्यान रहे, बाण से समूहबद्ध पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में शोषण रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधों से बाहर आ जाते हैं, मूल में शोषण रुक जाता है। 20 प्रश्न का राइट आंसर है, इसका तना ठोस शाखा युक्त होता है। ये पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं क्योंकि बाण जब आता है तो पौधों की जड़ों में पानी जम जाता है, इसके मूल रुक जाए, जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ, मटर हुआ, टमाटर हुआ, इन्हें समूहबद्ध कहते हैं। ये खेती युग जमीन पर पाए जाते हैं। ये पौधे कहाँ उगते हैं, ये खेती युग जमीन पर, कैसे, खेती युक्त जमीन पर होते हैं समूहबद्ध। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? अगला, यह भी सिलेबस में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? देखिए साफ नहीं दिख रहा, तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ये फेसबुक, यूट्यूब, प्ले स्टोर दोनों पर है। बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एकदम सरल है, काजीरंगा बताइए कहां पर है? ये विश्व विरासत स्थल है, इसमें एक सिंह वाला घेंडा, दो तेज आबादी ही निवास करती है। 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 2006 में। यह एक सिंह वाले गैंडे के लिए कहां पर है, असम में, कहां पर है, असम। ह्यूमस के निर्माण, हंगुल के लिए कौन प्रसिद्ध, कमेंट कर बताइए, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, ह्यूमस के निर्माण में कौन सहायक है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ऑल ऑफ दीज। देखिए ह्यूमस का मतलब क्या होता है, एक तरह से देखा जाए जमीन पर जो पेड़ पौधे द्वारा खरपतवार होते हैं उन्हें डीकम्पोज करने के बाद जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, डी नहीं होगा, याद रहे क्योंकि ये सरल प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर इस बात को ध्यान देना होगा, गलती मत करिएगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवी घटक हैं जो उत्पादन उपभोक्ता की मृत्यु पश्चात उनके शरीर पर अपघटन करते हैं, इनसे निर्मित साधारण पदार्थ अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अगला, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक, ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य, वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य जीव प्राणियों का संरक्षण। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। स्मॉग धूप से बनता है, धूंध, धुआं, ये भी आपको नोट्स में लेनी भी दुर्गेश के है, तो बताइए। देखिए नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, घर बैठे संपूर्ण नोट्स उपलब्ध है, और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बताइए, स्मॉग धुंध से बनता है, धुआं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से, धुएं तथा CO2 से। देखिए ये धुएं तथा कोहरा से मिलकर बनता है,
कोहरे का संपर्क जब कारखाना की चिमनियों से जो गंधक से होता है तो कोहरा जहरीला और जानलेवा हो जाता है। इस तरह जहरीले कोहरे को हम धूम कोहरा कहते हैं। कौन सा कोहरा कहते हैं? धूम कोहरा। इसे काला कोहरा भी कहते हैं। यहां से परीक्षा में सवाल आता है, इस तरह जहरीले जो कोहरे को हम काला या धूम कोहरा कहते हैं। स्मॉग वायु प्रदूषण की अवस्था है जो धुएं और कोहरे से निर्मित होती है और दृश्यता कम हो जाती है। इसमें क्या होती है? दृश्यता कम हो जाती है। ठीक, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान के वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? यह भी आपके सिलेबस में है, इलनी विद दुर्गेश के नोट्स में होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो सवाल आपका गलत ही नहीं होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, ये सभी जो विकल्प दिया गया है ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। ये हो गया आपका CFC CH4 CO2 N2O। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिकतम की बात कर दिया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी को हम लॉक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लॉक करेंगे। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? ये सब यूपी टेट सुपर टेट के उन सभी टॉपिकों का निचोड़ है जहां से आपकी परीक्षा में सवाल बनते हैं। बताइए आप लोग फटाफट कमेंट करके। जी हां, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, बारीक। तो बलुई मिट्टी और बारीक बलुई बालू में तो होगा नहीं। अब बचा दोमट और चिकनी। तो चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, ये भूरे रंग की होती है, ये नदियों किनारे में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगला देखिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो भैया तथ्यों को पढ़िए, सिलेबस के बाहर पढ़िए। अभी तक इतिहास है, जब से परीक्षा हो रही है कभी भी सिलेबस से प्रश्न नहीं पूछा गया, सिलेबस से बाहर पूछा गया है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? कॉमेंट बॉक्स में जाइए, कॉमेंट करके बताइएगा। हरित क्रांति गेहूं के विभिन्न प्रजातियों के अनुवांशिक अध्ययन करके फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि बीरबल साहनी, एमएस स्वामीनाथन, यह है श्वेत क्रांति। और यहां पे ये क्या होगा, हरित क्रांति क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा एक लाइन कमेंट करके बताएंगे हरित क्रांति क्या है। एकदम हलवा वाला प्रश्न है, लेकिन यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? यह अभी हाल ही की परीक्षा में पूछा गया था। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मौलिक कर्तव्य ध्यान रहे, इसे हम फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बेल्जियम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और यह स्वर्णसिद्ध समिति की सिफारिश पर सोवियत संघ रूस से लाया जाता है। और यह अगर हम भाग की बात करें तो यह भाग 4 क है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क है, जिसमें कुल 11 मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 51 ए होगा। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। याद रहे, परीक्षा हाल में ऐसा उत्तर मत दीजिएगा। सोचिए कितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का जवाब गलत दिया है। यह परीक्षा में गलती मत करिएगा, यहां पे मौलिक कर्तव्य पूछा है, प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, एक पर्यावरण के नोट से जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में 21 प्रश्न फंसे थे। आप लोग के पास नोट्स होंगे, मिला लीजिएगा, 80 पेज के नोट से 21 प्रश्न आए थे। अगला सवाल यहां पे ध्यान दीजिए, 48 ए क्या है? अनुच्छेद 48 जो है, याद रहे, ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत भाग 4 अनुच्छेद 36-51 के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रहे 48 ए जो है, ध्यान रहे, कुछ लोग इसके बारे में बता रहे हैं, ये नीति निर्देशक तत्व है। ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। ये मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, ध्यान से पढ़िए, ये मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है।
और इसलिए यह तीन तरह से है। अगर नीति से तत्व पूछताछ 48 से होता, मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो 51 ही होगा, अगर मूल अधिकार पूछ लेता तब इसका उत्तर 21 का होता, रट 21 होता, तब इसका उत्तर क्या होता अनुच्छेद 21 होता। ये रट लीजिएगा, मत गलती करिएगा, ध्यान रहे सभी लोग रट लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग गलती कर सर ए होगा, नहीं सर बी होगा, नहीं सर बी होगा। अरे भैया प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, अगर यही गलती परीक्षा के अंदर करके आते हैं और कहते हैं फला कोचिंग में हमने पढ़ा था, ढेकनवा कोचिंग में पढ़ा था, यहाँ पे तीन जगह है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, तीन भाग, तीन भाग चार, भाग चार क, ठीक चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा, सी होगा भैया, देख लीजिएगा। अब भी वीडियो को शेयर नहीं किया, यह भी इलनीबी दुर्गेश से नोट से है। भूतापी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत? तो भूतापी ऊर्जा जो है यह हमारे यहां परंपरागत नहीं है, ठीक, यहां पर क्या होगा, यह नवीनीकृत है, अपारंपरिक है, यह भी इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ये नवीनीकृत है, आज भूतापीय, कल फिर, परसों फिर, इस तरह प्रतिदिन आप करते जाएंगे, ये मैं बार बार पढ़ाया था, और यह नोट्स अगर आपने पढ़ी होगी इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। अच्छा, भूतापीय ऊर्जा भारत में कहां कहां है, किसी को पता है? देखिए भारत में अगर देखा जाए तो मणिकर्ण में है, कहाँ कहाँ अगर भारत में पूछा जाए तो ये मणिकर्ण में है। मणिकर्ण कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, और पूगा घाटी में भी है, ये पूगा घाटी में भी है, अगर लिखना चाहे लिख लीजिएगा, नोट्स में नहीं है चीज, पूगा घाटी लद्दाख में है, और तातापानी में भी है, तातापानी ये भी झारखंड में है। यहाँ पर भी क्या है, भूतापी ऊर्जा यहाँ से भी प्राप्त किया जाता है, उत्पादन होता है, और खम तेलंगाना में है, खम याद रहे, राइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये कहाँ पर, ये तेलंगाना में है, तातापापी जो है आपका ये झारखंड में है, अगर पूगा घाटी की बात पूछा जाए तो ये लद्दाख में है, मणिकर्ण की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये पूछा है कहाँ कहाँ पे ऊर्जा होता है, हो सकता है परीक्षा में कभी आ जाए, ये भूतापी ऊर्जा का, ये भूतापी ऊर्जा का मैंने बताया है। आपको ये मत कह दीजिएगा कि बोकारो, ये मत बताइएगा, जी एकता जी ने बताया बोकारो। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं कमेंट करके बताइएगा। यहां पे पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा, आवलाब्धि, सभी आते हैं भैया, सभी आते हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आवलाब्धि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्या सब लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पैसा नहीं लगेगा आपका, यकीन मानिए सीरीज पढ़ने के बाद आप पर्यावरण में पूरे के पूरे प्रश्न सही करेंगे। अगला सवाल, जून को, ध्यान रहे, जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहां पर होती है, भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री, एकदम हलुआ वाला सवाल है। देखिए यहां पर उस समय सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो यहां पर कर्क रेखा है कहां पर, 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, 23.1/2 डिग्री साउथ, 0 डिग्री। इनके नाम भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इसे कर्क वृत्त भी कहते हैं, मकर रेखा, इसको याद करते हैं। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कौसे माने कर्क, क्योंकि कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो 21 जून को सूर्य के किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, 13 घंटा 20 मिनट का दिन होता है, 10 घंटा 40 मिनट की रात होती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। क्या सबको समझ में आ गया, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे थे? ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है रट लीजिएगा, तालाब का पिरामिड कैसा बनता है, तालाब का पिरामिड, वृक्ष का, ये रटने वाले सवाल है, यहां पढ़ो परीक्षा में नंबर लाओ।
ये बताइए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? अरे ऐसे ही ना होता है, ये ऐसे ही ना होता ऊर्जा का पिरामिड। जैसे यहाँ पर उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होते हैं, तो धीरे धीरे ट्रांसफर होता है। लिंडमान का नियम पढ़ा, 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, इसलिए यह सदैव सीधा होता है। सदैव क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है ना? तालाब का कैसा होता है, वृक्ष का कैसा होता है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। तालाब का उल्टा, एकदम सही जवाब, तालाब का उल्टा होता है। ठीक, वृक्ष का कैसा होता है कमेंट करके बताइए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है कौन? केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग। उपरोक्त सभी बाढ़ को फ्लोट कहते हैं, कौन जारी करता है बताइए? फ्लोट कौन? तो ये तीनों जारी करते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। केंद्रीय जल आयोग भी जारी करता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग भी जारी करता है, जल संसाधन विभाग भी जारी करता है। तीनों के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। रट लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए कि कौन सा इसमें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। देखिए द्वितीय श्रेणी में कौन आते हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा। यहां पर हो गया ये उत्पादक है और ये उपभोक्ता है। ठीक, तो पहले क्या आएगा यहां पे? शाकाहारी आएगा, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। अगर उपभोक्ता में देखा जाए तो ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। अब इसमें द्वितीय पूछा है तो कौन मांसाहारी है? हाथी शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है, शेर सर्वाहारी है, बचा क्या? सांप। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। ये सब सिलेक्शन वाले सवाल है, ये डेली क्लास होंगे आपके जब तक आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन ना हो जाए। झूम खेती कहां होती है? एवरग्रीन प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कहां होती है? विकल्प के आधार पर। झूम खेती क्या है? ठीक है, ये झूम कृषि क्या होती है? ये सब ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये मेघालय में है, पूर्वोत्तर भारत में है। अगला है आपके सामने, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? इसे क्या कहते हैं? ठोस बर्फ कहते हैं, इसे ठोस बर्फ भी कहते हैं, ठोस बर्फ कहते हैं, ठोस जल कहते हैं। इसके इतने उपनाम हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। जी हां, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ठोस बर्फ कहते हैं, ठोस जल कहते हैं। अच्छा ये बताइए, भारी जल किसे कहते हैं? भारी जल ये कहते हैं D2O को। किसे कहते हैं? D2O को कहते हैं भारी जल। दूसरा सवाल, आसूत जल क्या होता है? आसूत जल, मेरा सवाल है आपसे, आसूत जल। यह भी इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में होगा, आप लोग नोट्स पढ़ लीजिएगा। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहां पे मिल जाएगा दुर्गेश सर सर्च करके, इलर्निंग विद दुर्गेश डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चाहे फेसबुक पेज पर भी है। आसूत जल क्या होता है? निम्नलिखित स्रोतों में एक के जल के फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना ज्यादा है, वर्षा के जल से, ताल जल, नदी जल, भौम जल। सभी लोग फटाफट बताइए जितने इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं। जी हां, स्रोतों में से किसी एक के जल की फ्लोराइड
से संदूषित होने की संभावना है। बताइए सभी साथी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। नदी जल, नदी जल फ्लोराइड, किस एक के जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना है? नदी जल, रिवर वाटर, इसकी वजह से ताल भौम जल, ताल जल दोनों आ जाते हैं। अगला, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरग्रीन सवाल, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जितने इस वीडियो को लाइव सेशन देख रहे हैं जिसको उत्तर इसका ना आता हो। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। कोयला में होती है, परमाणु मध्य बिजली में, सौर में नहीं होती, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। यह भी लनी दुर्गेश के नोट्स में है। यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। कौन अधिकतम प्रदूषण का कारण? प्रदूषण बताइए, भारी ट्रक, पाप संगीत, निर्वाचन सभा, जेट है, यह भी मैंने पढ़ा है, यह भी नोट्स में है आपके। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापते हैं। दूसरी बात, ओजोन की मापने की इकाई क्या है? ओजोन मापन की इकाई क्या है? डॉप्सन है, ये रट लीजिएगा, दोनों परीक्षा में है, दोनों लेनी भी दुर्गेश के नोट्स में है। जेट उड़ान बी डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये परीक्षा वाले सवाल है, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं ताकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में हुबहू यहीं से मिल जाए, ये लनी भी दुर्गेश से नोट से ही आपको। निम्न में कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? प्लास्टिक, एस्बेस्टस, डीडीटी, मल। आप बताइए जैविक रूप से कौन सा होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। अरे एकदम हलवा वाला प्रश्न है, मल मूत्र ये स्वतः अपघटित हो जाएगा, बाकी प्लास्टिक नहीं होगा, एस्बेस्टस नहीं होगा, डीडीटी नहीं होगा, मल स्वतः हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। स्वचलित वाहन निर्यातक सर्वाधिक अविधातु धातु प्रदूषक है, क्या है? कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चमड़ा उद्योग, ये स्वचलित वाहन निर्यातक का सर्वाधिक अविधातु प्रदूषक है, चमड़ा उद्योग। ठीक, मतलब ये गंगा के लिए एक तरह से दिया है। अगला, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय, क्षेत्र के बनने के संभावित कारण क्या है? यह लनी भी दुर्गेश के नोट्स में, अगर आगे आपने नोट्स पढ़े होंगे तो आप इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे, और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर पड़ी है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र, समताप मंडली बादलों की अनुपस्थिति, मीथेन और क्लोरोफ्लोरो का कार्बन, यहां पे अनुपस्थिति नहीं, उपस्थिति होगा, गलत। विशिष्ट क्षोभ मंडली विक्षोभ उपस्थिति, ये भी गलत। देखिए विशिष्ट ध्रुवी वाताग्र, समताप मंडली बादलों की उपस्थिति, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह, डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन छिद्र का पता सबसे पहले कौन लगाया था? सबसे बड़ा ओजोन छिद्र कहां पर है? सबसे खतरनाक कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज है? ये जवाब आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन है ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? आपको यह बताना है कि कौन सा उत्तरदायी नहीं है, बाकी आपके लिए उत्तरदायी हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, अग्निशमन प्रयुक्त हेलो 1211, अरे भैया क्रिश्चियन फ्रेडरिक ने ओजोन गैस की खोज की थी, ठीक। प्रसिद्धकों के प्रयुक्त होने वाला सीएफसी 12, विलायक के रूप में तिल क्लोफॉर्म, ये नहीं है। ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो गलत है वही सही है, ठीक। ये कौन उत्तरदायी नहीं है? तो मेथिल क्लोरोफॉर्म, मतलब विकल्प हिसाब से अगर उत्तर देखेंगे तो ए है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरण, इंफ्रारेड किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, ऑल ऑफ दीज। यहां पर आप लोगों ने सही बताया अल्ट्रावायलेट रेज। सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज कौन सी है, कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। यहां पर अल्ट्रावायलेट किरणें, समझ में आया सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पेस्टिसाइड के रूप में भारतीय मृदा व जल में प्रमुख प्रदूषक होता है। डीडीटी के कारण, डीडीटी के कारण, डीडीटी का फुल फॉर्म मैंने ऊपर ही बताया है। कहां से 133 नंबर आ गया? अत्यधिक वाहन संख्या वाले, अच्छे कुछ प्रश्न इसमें से इंक्लूड होने की वजह से, क्योंकि ये प्रश्न जो बनाई गई थी 500 प्रश्न बैंक सीरीज बनाई गई थी, तो कुछ क्वेश्चनों को कट पेस्ट करने में कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। अत्यधिक वाहन संख्या वाले शहर की वायु को प्रदूषित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु है? शीशा, कैडमियम, निकेल, क्रोमियम। शीशा। वैश्विक उष्मन उत्सर्जन कारण होता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वैश्विक उत्सर्जन का जो कारण है सबसे ज्यादा किसके, CO2 के, CO2 को उत्सर्जन के कारण है। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है बताइए? रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। संपीड़ित करने पर शीतलित होती है या प्रवाह कारण तपित होती है? ए इसका सही जवाब है। विटामिन शब्द किसने दिया? मेंडल, लुई पाश्चर, फंग। लुई पाश्चर का संबंध किससे है, मेंडल का संबंध किससे है, फंग। रिकेट्स होता है बच्चों में, किशोरों में, युवाओं में, किसमें होता है बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। बच्चों में किस विटामिन कमी से रिकेट्स होता है? भारत का अधिकतम ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा? लेह, शिमला, मुंबई, कोलकाता। लेह। एक व्यक्ति जो आपके लिए घर बनाता है, चलिए आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, सभी क्लास नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है, देश हित में, राष्ट्र हित में। कभी कभी कोई प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, वहाँ पे आपको क्लियर उत्तर बता दी जाएगी। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। एक व्यक्ति जो आपके लिए घर बनाता है, मेसन, बढ़ई, मैकेनिक, लोहार। बकिंघम पैलेस तथा 10 डाउन स्ट्रीट किस शहर में स्थित है? टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़िएगा, अगर जो नहीं जुड़े हैं दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। ये वीडियो फेसबुक पेज पे भी, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए लाइव चल रहा है,
डेली क्लास आपकी इसी टाइम होगी, 50 प्रश्नों की सीरीज होगी। ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और बताएं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हां मिशन, बकिंगम, बकिंगम कहां होगा इसका? ये लंदन में है। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, ये ए है ये बी है। तो ज्यादातर उत्तर आपको लेनी भी दुर्गेश के नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी क्लास की जो शेड्यूल है टाइम है वो टेलीग्राम पर आपको डाल दी जाएगी, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और कल से और कुछ क्लासेस चलेंगे, मतलब एक दो दिन के बाद से और कुछ नई क्लास होगी, और प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, नोट्स उपलब्ध है, और जल्दी आपको सभी लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर दिखना शुरू हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जल्दी आपके लिए एक और रात्रि सीरीज लेकर आते हैं, क्योंकि सेलेक्शन लेना है और आपको नौकरी दिलाना है। बाय बाय, थैंक यू।